हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खेल स्टेशन। सो दोस्तों, आज का जो हमारे यहाँ पे मैच होने वाला है वो होगा हमारा चेन्नई वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच का मैच, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारे आज की पिच रिपोर्ट, वेन्यू शेड्स, प्रोबेबल लाइनअप्स, प्लेयर्स के वॉर्म हेड टू हेड, प्लेयर ऑन द वेन्यू हाई स्काई रिवॉर्ड और स्मॉलिंग का कॉमिशन। सो दोस्तों, तो हम यहाँ पे कवर करते हैं। जनील, मेरे को आज आपसे एक सजेशन चाहिए। सो हम यहाँ पर को ट्राई कर रहे थे कि अब एक प्रिडिक्शन का एक अलग से यहाँ पे हम जो स्लाइड है वो यहाँ पर ऐड करें, उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा या कौन सा प्लेयर रन बनाएगा। लेकिन मेरे को सही से नहीं चाहिए कि आपको मींस प्लेयर्स के एकदम एक्यूरेट पॉइंट्स चाहिए कि यहाँ पे वो कितने पॉइंट्स देके जाएंगे, या फिर आपको इतना पता चलना चाहिए कि यहाँ पे फ्लॉप होगा या हिट होगा इस तरीके से। तो कमेंट बॉक्स में कम से कम आप ये बताना मेरे को कि आपको जो हमारी प्रिडिक्शन वाली जो स्लाइड है वो किस बेस पर चाहिए। एक मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कैसे। सो एक तो ऑप्शन ये होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लेयर्स के नेम और वहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये फ्लॉप है और ये हिट है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने सारे वहाँ पे प्लेयर्स के नेम लिखे हैं लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि एक एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट तो क्या एक लमसम वहाँ पे आपको कितने फैंटेसी पॉइंट वहाँ पे देके जा सकता है। ठीक है, सो दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, बाकी कमेंट बॉक्स में बताना आपको किस तरीके से वहाँ पे ऑप्शन चाहिए। ठीक है, सो बात करते हैं हमारे आज की ऑस्मोलिक का कमीशन, जो आपको गाइस हमारा जो फाइनल टीम है ना वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे आपको जुड़ना कैसे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करेंगे और पिन कमेंट आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। बाकी और जगह से कहीं पे ज्वाइन मत होना, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे नाम से हमें प्राइम चला रहे। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है एकदम फ्री आपको टीम प्रोवाइड कराता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई आपसे पैसा नहीं मांगता। ठीक है, और एक चीज़ और दोस्तों, अब देखो आपको हम इतनी चीज़ें फ्री प्रोवाइड कराते हैं तो आपका एक फर्ज होता है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे पिच रिपोर्ट की। सो गाइस, जब बात करेंगे हमारे अगर पिच की, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट के 15 T20 गेम्स एट द चैपॉक, तो यहाँ पे जो एवरेज आया ना फर्स्ट इनिंग स्कोर 161 है। और मेरे को ऐसा एक पर्सनली यही लगता है कि 161 भी ना एक मतलब इनके हिसाब से काफ़ी अच्छा डिसेंट स्कोर है, क्योंकि यहाँ पर जो चैपॉक के अगर आप पिचे पहले की आप पिचे देखोगे तो इतने वहाँ पर रन्स नहीं बनते थे। यहाँ पर एक स्लो गेम होती थी, ठीक है, वहाँ पर आपको 150, 140, 145 के आसपास रन बनते। बट अब क्या हुआ है, जैसे जैसे यहाँ पर को IPL हमारा बढ़ते जा रहा है, थोड़ी सी यहाँ पर आप देखो कि बैटिंग टेक्निक वहाँ पे काफ़ी एक ऐसे प्लेयर आ गए आप जो थोड़ा सा लॉफ्टेड खेलना पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो थोड़ा सा एवरेज को बढ़ा देती है। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो टेक्निक्स भी अभी आ चुकी हैं यहाँ पे, को जो पिच है उसको वहाँ पे थोड़ा पेस बना दिया जाता है, फ्लैट ट्रैक वहाँ पे कर देते हैं ताकि रन बना रहे। और बाकी इस बार का तो IPL अभी तक देख ही रहे हो आप, इतने 11 मैचेस हो चुके हैं लेकिन अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ पर प्लेऑफ में जा चुका है, ये फिर एक एलिमिनेट हो सकता है। तो मतलब अभी काफ़ी एक रोमांचक यहाँ पे मैच चल रहा है और अभी ये देखना होगा कौन यहाँ पर को फाइनल तक वहाँ पे पहुँचता है या प्लेऑफ तक की वहाँ पे रेस है वहाँ पर पहुँच पाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर को इस वन पर जो लास्ट के तीन मैच हुए, तो वहाँ पर को जो चेजिंग वाली टीम उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कराया और ये जो पिच है वो बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को एक इक्वल यहाँ पे हेल्प करती है, तो आपको एक बैलेंस अपनी टीम बना के लेके जानी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे पेसर्स ने यहाँ पे गए 55% यहाँ पर को विकेट्स निकाले, और उसके बाद अगर बात करूँ स्पिनर्स की तो स्पिनर्स यहाँ पे 45%। तो आपको अगर आप CVC करोगे तो आप यहाँ पे एक बैलेंस करना, मतलब एक आप कैप्टनसी यहाँ पे लेके जा सकते हैं किसी बैट्समैन को, वाइस कैप्टन यहाँ पे किसी बॉलर के साथ आप जा सकते हैं। बट गाइस देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ T20 के गेम में ना आप हमेशा एक ऑलराउंडर या फिर बॉलर की तरफ में फोकस करो। और कल मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना बहुत कम मैं यहाँ पे रेयरली यूज करता हूँ CVC, और कल मैंने जो अपने कप्तान करते थे पर्सनली, जो अगर मैंने टीम बनाई थी जो थोड़ी एक रिस्की टाइप की, तो वहाँ पर को मैंने कैप्टन करा था फाफ डू प्लेसिस को, और वाइस कैप्टन वहाँ पर करा था मैंने हमारे जो सूर्यगाना था उसको। ठीक है, सो वहाँ पर टीम काफ़ी अच्छी गई, इवन मेरे जो बॉलर थे ना वो कुछ खास काम वहाँ पर नहीं कर पाए क्योंकि पिच रिपोर्ट उतनी एक एक्यूरेट वहाँ पर अभी तक आती नहीं है। ठीक है, तो बाकी अगर बात करूँ टीम के जो मेरे वैसे पॉइंट हुए थे 693 वहाँ पर अच्छे पॉइंट हो गए थे। सो इसलिए अगर आज देखो आप भी जो टीम में अभी दिखाऊंगा ना तो उसको वहाँ पर फॉलो करना, उसमें आप एक दो चेंजेस कर सकते हो जो जैसे नॉन प्लेइंग होता है उनको वहाँ पर हटा सकते हो। ठीक है, तो उनके साथ भी गाइस काफ़ी अच्छा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स की। तो सुपर किंग्स की अगर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे अगर डेविन कॉनवे की बात करते हैं, सो इसका फॉर्म अच्छा है और ऐसा मेरे को लगता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे यहाँ पे रन बना के आज जा सकता है। ठीक है, तो डेविन कॉनवे का आप अपनी टीम में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं ऋतुराज की। तो ऋतुराज का अगर आप फॉर्म देखो ना तो फॉर्म डिसेंट है और ये ऐसा नहीं कि आपको एकदम फ्लॉप हो जाएगा। लाइक अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो कल काफ़ी लोगों ने मतलब ये सोच के उनको रखा होगा कि यार इतना ज़्यादा फ्लॉप जा रहा है अब, मतलब थोड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब एक होता है ना अंदर से कि अब वो जागेगा उसके अंदर का कीड़ा कि नहीं अब उसको रन बनाना है, लेकिन उसके अंदर का कीड़ा मर चुका है तो अब वो वहाँ पे जागने का नाम नहीं लेता, वो सो गया है कुंभकर्ण वाली नींद। तो रोहित शर्मा तो अब आपको नहीं लेना है, कल मैंने यहाँ पे
कल मैंने अपनी पर्सनल टीम वहाँ पे नहीं रखा था, और मैं सोच रहा था अगर आज चल गया तो फिर अगले मैच उनको सीवीसी कर देंगे, लेकिन गाइज अभी रोहित शर्मा बिल्कुल वहाँ पे फ्लॉप हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा पता है मेंटेन यहाँ पे क्या करती है, फॉर्म जरूरी होती है, और ये मैं आपको एक बता भी चुका हूँ जब मैंने आपको आईपीएल से पहले एक वीडियो डाली थी हाउ टू मेक ग्रैंड निकनेम्स, उसमें मैंने आपको सबसे पहले जो एक वही था पॉइंट कि आपको फॉर्म यहाँ पे देखना है कि किसका फॉर्म यहाँ पे अच्छा चल रहा है। उसके बाद करते हैं राणे की। सो गाइस राणे में आप देखो कि 21 के बाद यहाँ पे कोमा लगाना भूल गया, ठीक है 21, उसके बाद में 71 नॉट आउट था, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 37 31, तो ये भी यहाँ पे आपको अच्छे रन बना के देखे जा रहा है। सो अब यहाँ पे को आपको पता है ना सीएसके की टॉप ऑर्डर यहाँ पे रन बना के जा रहे हैं कंसिस्टेंट, लाइक अगर बात करें आरसीबी की तो आरसीबी यहाँ पे देखो विराट कोहली यहाँ पे एक ऐसा केस हुआ वहाँ पे थोड़ा जल्दी आउट हो गए, बट वहाँ पे वो भी रन्स बना रहे थे। और आपको पता है कि आरसीबी का टॉप ऑर्डर यहाँ पे अच्छे रन बना के जाता है, मतलब उसके अगर बात हो नीचे तो वहाँ पे कोई उनका खोज खास यहाँ पे है नहीं, लॉन्ग ओवर एक मैच चला ठीक है, तो दूसरे मैच वहाँ पे हो गया फ्लॉप, ठीक है। तो वहाँ पर को कुछ ऐसा कंसिस्टेंट आपको प्लेयर वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, इवन कल वहाँ पे थोड़े से वनी जो हसरंगा और यहाँ पर कोई डीके ने केदार जादव ने थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया था। उसके बाद करते हैं फिर यहाँ से दुबे की। सो दुबे का काम क्या है, वो सीधे लॉफ्टेड ही खेलेगा ठीक है आगे, और वो ऐसा एक मिस और हिट भी हो सकता है, क्योंकि देखो जब भी वहाँ पे लॉफ्टेड खेलेगा तो हो सकता है अपना वहाँ पे विकेट भी दे दे, कैच वहाँ पे आउट हो जाए, तो काफ़ी सारे उसे उसके यहाँ चांस बन सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें जडेजा की। जडेजा को मैं हमेशा चेपॉक की जो पिच होती है वहाँ पर को उसको बैक करता हूँ, तो आज मैं इनको यहाँ पे बैक करूँगा। उसके बाद करते हैं धोनी की। जो धोनी की फैंटेसी वाली तो कुछ खास यहाँ पे रहेगी नहीं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे है, और उससे पहले भी गाइस वहाँ पर राइड को उससे पहले भेजेंगे ठीक है, मोइन अली को भेजेंगे, और यहाँ पे जडेजा को अपना थोड़ा सा आते हैं लेट में। फिर अब ये भी हो सकता है अगर देखो पब्लिक की डिमांड रही तो वहाँ पर को धोनी ऊपर आ भी सकते हैं। बाकी मोइन अली की बात करें तो अभी मेरे को लगता है यहाँ पे फ्लॉप रहेगा, और अगर इसको पिक करना होगा मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर क्या करना है। बाकी रायडू ऐसा इंपैक्ट की तरह पे यूज होता है, रायडू की जगह पर इंपैक्ट में आ जाएगा दीपक चहर, और आपको बता दूँ दीपक चहर यहाँ पे अभी अच्छा यहाँ पे फॉर्म पकड़ के चल रहा है ठीक है। तो लास्ट मैच उसने अपने पावर प्ले में यहाँ पे एक विकेट निकाल लिया था, और उससे पहले अगर आपको याद होगा जो मैच बारिश से धुल गया था लखनऊ वाला, तो वहाँ पे क्या हुआ था उस मैच के जो रिकॉर्ड थे ना वो कहीं पे तो लिखे नहीं गए, क्योंकि जब मैच कैंसिल हो गया तो वहाँ पर को तो कोई अब वहाँ पे उनके जो स्टैट्स होते काउंट होते नहीं है। लेकिन अगर आपने वो मैच देखा होगा ना लाइव तो आपको पता चलेगा वहाँ पे किसने कैसी बॉलिंग कराई थी। अब लाइक अगर बात करूँ पति राणा की, सो पति राणा का मैंने आपको बोला था ये एक वैसा प्लेयर है कभी आपको बंचेस में विकेट लेके जाएगा, और लास्ट में देख लो 3 विकेट वहाँ पे निकाल के चला गया ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से बात करते हैं देश पांडे। तो देश पांडे को क्या है, इसकी बॉलिंग मेरे को कुछ खास ऐसी लगी नहीं, लेकिन इसके पीछे पता है किसका हाथ रहता है, वहाँ पे रहता है धोनी का। वहाँ पर को कुछ ऐसी फील्डिंग वहाँ पे सेट करते हैं तो इनके यहाँ पे जो कैच आउट वहाँ पे अगर हो जाते हैं तो उनके यहाँ पे विकेट्स मिल जाते हैं। बाकी थिक सारा लास्ट मैच वैसे फ्लॉप रहे, लेकिन मेरा मैंने इनको पिक करा था, क्यों पिक करा था क्योंकि एक ऐसे स्पिन पिच रहती है वहाँ पे चेपॉक में, तो मैं आज भी इनको यहाँ पे बैक करूँगा ठीक है। सो ये हमारी बात हो गई चेन्नई की, तो मैंने आपको बता दिया से चलने वाले प्लेयर कौन है, कौन में ऋतुराज राणा, ये तो आपके मस्ट पिक होने चाहिए। बाकी यहाँ से बात करें पति राणा को आप यहाँ पे लेके जाओगे, आप यहाँ से जडेजा को लेके जाओगे, और थिक सारा को यहाँ पे आप बैक करके जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं देश पांडे को भी बैक करना तो उनको कर सकते हैं, बट आपको बता दूं देश पांडे को अगर शुरुआत में इनको ओवर हो गए तो इनको डेथ में ओवर नहीं दिए जाएंगे ठीक है। सो अब फिर यहाँ से बात करें अगर दीपक चहर की, तो ये देखना होगा डेथ में यहाँ पे बॉलिंग कौन करा था, एक दो पति राणा तो कन्फर्म है वो डेथ में कराएगा बॉलिंग, बाकी देश पांडे दीपक चहर में से कोई कब वो एक बॉलर दिख जाएगा। सो ये जब बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली कैपिटल की, सो दिल्ली कैपिटल का अगर आप स्क्वाड देखते हैं ओवरऑल कुछ खास यहाँ पे रहा नहीं है, डेविड ऑनर आउट ऑफ फॉर्म जा चुके बिल्कुल ही ठीक है। लास्ट में जो 22 फिर उसके बाद 2021 इस तरीके से आप देखो परफॉर्मेंस है, तो कुछ खास इनका परफॉर्मेंस अब तो नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है। जो इनकी बात थी ना पहले तो वो अभी बात इनमें नहीं नजर आ रही। उसके बाद करूँ मार्स की, सो गाइस मार्स यहाँ पे देखो रन्स बना के जा रहा है, लेकिन अभी भी ना ये अपना उतनी अच्छी लाइन नहीं पकड़ पा रहा, तो अब आपको पिक करना, खैर मैं इनको ऐसा पिक करूँगा ऐसा वाइस कैप्टन मैंने लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि इनके पास क्या है ना ऑप्शन दोनों है, एक तो टॉप ऑर्डर बैटिंग करेंगे प्लस आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करके देके चले जाते हैं। फिर बात करते हैं सॉल्ट की, सो देखो सॉल्ट मैंने आपको लास्ट मैच बोला भी था कि इसकी यहाँ पे बड़ी पारी आ सकती है, क्योंकि मेरे को बड़ी पारी इसलिए ध्यान आती है ना इसकी, क्योंकि जब इसने बटलर और इसने यहाँ पे टीम इंडिया हमको हराया था वहाँ पर वर्ल्ड कप में, सो वो पारी आप लोगों को भी याद होगी, काफ़ी बुरी तरीके से इसका विकेट नहीं निकाल पाए थे। सो यहाँ पर भी आप देखो इंडियन बॉलर्स हैं वहाँ पर, तो फिर भी एक्सपीरियंस बॉलर थे वहाँ नहीं विकेट निकाल पाए थे, उसका यहाँ पे कैसे निकाल सकते थे ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने सॉल्ट को इसलिए यहाँ पे बैक करा था, इवन मेरी कई सारी टीमों में सीवीसी भी था। तो सॉल्ट देखो इतना मतलब कंसिस्टेंट प्लेयर तो नहीं है, लेकिन जिस दिन चलता है तो धागा खोल के चला जाता है। फिर यहाँ से बात करते मनीष पांडे की, तो मनीष पांडे का वैसे बैटिंग आया नहीं था लास्ट मैच कुछ खास, और उसके बाद में रॉसो को यहाँ पे प्रमोट किया गया था ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ रॉसो को यहाँ पे लिया गया था नोरखा की जगह पे, वो अभी यहाँ पे अनअवेलेबल है। एंड फिर यहाँ से बात करते हैं ललित यादव, फिर अमन खान में से आपको कोई एक दिख जाएगा, और जो भी दिखेगा मेरे को लगता नहीं कुछ खास यहाँ पे इंपैक्ट रहने वाला। अगर टॉप ऑर्डर से आपको पिक करना है तो आप यहाँ पे मार्स को लेके जाएंगे, शॉर्ट को आप लेके जा सकते हैं ठीक है। बाकी उसके बाद रॉसो एक मिस और हिट वाला प्लेयर है, लास्ट मैच अगर 35 आए तो मेरे को नहीं लग रहा कि इस मैच में यहाँ पे इनके 30+ आ सकते हैं, तो मैं इनको रॉसो को थोड़ा ड्रॉप करके जाऊँगा। फिर यहाँ से जो एक मस्ट पिक आपके लिए बन जाता है वो अक्षर पटेल।
अक्षर पटेल का आज स्पीच पे हो सकता है विकेट निकल जाए दो या तीन आराम से, तो इसको यहाँ पे मैं पिक करके जाऊँगा। फिर वहाँ से बात करते बाकी खलील अहमद की। सो खलील अहमद का क्या है ये पता है आपको, डेथ में बॉलिंग कराते हुए दिख सकते हैं। बाकी ईशांत शर्मा, इन दो को मैं यहाँ पे बैक करूँगा। और उसके बाद फिर यहाँ से बात करते हैं मुकेश कुमार और यहाँ पर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को देखो यहाँ पे पिच है उनके लायक, लेकिन उनका ना फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। बाकी मुकेश कुमार की बात करें, इनका जो सेलेक्शन हुआ है ना वो वहाँ पे हुआ है, टेस्ट जो हमारी टीम जा रही है वहाँ पे लॉर्ड्स पे, वहाँ पे जो हमारी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट फाइनल होगा, तो वहाँ पे एज ए स्टैंड बाई लिस्ट में इनका नाम है। मुकेश कुमार हैं और वहाँ पे सूर्यकांत यादव स्टैंड बाई में, और जो ईशान किशन थे वो यहाँ पर को आवाज चुके हैं यहाँ पर को मेन स्क्वाड ने। सो ये हो गई हमारी बात यहाँ से डीसी की। तो डीसी की तरफ से मैंने आपको बता दी कौन से प्लेयर यहाँ पे होंगे, आप लेके जाएंगे यहाँ से मार्स को, सॉल्ट को आप पिक करेंगे, बाकी रोस्टर मेरे को लगता नहीं है, अक्षर पटेल, खलील यहाँ पे खलील अहमद और यहाँ पे ईशांत शर्मा। सो ये होंगे हमारे यहाँ से कुछ पिक्स जो आपको लेने हैं। सो गाइस अब यहाँ से बात करते हैं हेड टू हेड की। सो हेड टू हेड में पता है अजिंक्य राणा से एक नाम और ऊपर था, वो मैंने यहाँ पे लिखा क्यों नहीं, क्योंकि उसने एक ही मैच वहाँ पे खेला था, वो आपको बता दूँ वो था कॉनवे, और उसका जो एवरेज है ना यहाँ पे एवरेज का एक ही मैच खेला वहाँ पे 87 के आसपास वहाँ पे उसने रन बनाए, तो कॉनवे तो खैर वहाँ पे लेने हैं आपको। फिर इसके बाद बात करते हैं राणा की। राणा को काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपीरियंस यहाँ पे हेड टू हेड का भी, और एवरेज आप देखते हैं काफ़ी शानदार है। जडेजा की बात करूँ 41 और पीरम गर्ग को यहाँ पे 37, लेकिन लगता नहीं इनको वहाँ पे खिलाया जाएगा। बाकी कुछ खास यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखते नहीं है, वार्नर यहाँ पे 31 का एवरेज है। बात करेंगे यहाँ पे विकेट्स की, तो यहाँ पे डेविड वॉर्नर आपको दिख जाते हैं, दीपक चहर हैं, ठीक है, नौरखिया है नहीं तो इनको यहाँ पे हटा दो। अक्षर पटेल की बात करें 8 विकेट हैं यहाँ पे, मोइन अली के 7 और ईशांत शर्मा के 6 विकेट हैं। सो अब गाइस यहाँ से बात करते हैं हमारे आज के गिवे क्वेश्चन की। तो गिवे में आपको बताना कि आज लोएस्ट पॉइंट कौन दिखे जाने वाला है, ठीक है, तो लोएस्ट आपको बताना है फैंटेसी में से कोई भी सेक्शन हो, चाहे ऑलराउंड बॉलिंग या फिर बैटिंग, जहाँ से आपको लगता है लोएस्ट फैंटेसी पॉइंट कौन दिखे जाएगा। और आपको तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं, पहला तो यही है कि आपको जो हमारा वीडियो अपने तीन दोस्तों में शेयर करना है, एंड सेकंड गाइस आपको जो हमारा एक वैलिड कमेंट है ना वही करना है। ऐसा नहीं कि आप अब अलग अलग आईडी से यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं तो गाइस वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर जैसे हमको पता चलता है। और उसके बाद में जो थर्ड आपको करना है वो गाइस काफ़ी आसान काम है, कुछ उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते होगे, इंस्टाग्राम पर आप रील देखते होगे, ठीक है, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे और यहाँ पर फेसबुक पे हमको यहाँ पे फॉलो करना है। सबके गाइस आपको लिंक मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो बात करते हैं वेन्यू की, तो वेन्यू पर आप देखोगे 103 का एवरेज है महाशय का, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कि एक दो मैच खेला वहाँ पे, मतलब इन्होंने तीन मैच खेल दिया, तीन यहाँ ज़्यादा, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा उन्होंने एक एवरेज मेंटेन करके गए हैं। फिर बात करते हैं मनीष पांडे की, तो मनीष पांडे भी डिसेंट है, पर मनीष पांडे को ये पता नहीं चलता है कब चलेंगे, क्योंकि इनको जब आप लोगे ना तो बैटसमैन तो यहाँ पे ठीक था, लेकिन इसका फॉर्म उतना कुछ खास मेरे को यहाँ पे नज़र नहीं आया। बाकी सरफराज खान की बात करें तो ये थोड़ा सा एक एंग्री यंगमैन अब बना हुआ, क्योंकि देखो अभी टेस्ट अगर बात करेंगे सिलेक्शन की तो वहाँ पे इनका सिलेक्शन दोबारा से नहीं हुआ, जबकि ईशान किशन को कुछ खास यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था, शाह को एक्सपीरियंस था उसको यहाँ पे नहीं पिक करा, सरफराज खान एक अच्छी फॉर्म पे था उसको यहाँ पे पिक नहीं करा, तो हो सकता है थोड़ा सा एक मेंटली यहाँ पे हो और उसका जो एग्रेशन है वहाँ पे आपको दिख जाए ग्राउंड पे। फिर ऐसे बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की, 33 रन का यहाँ पे एवरेज है, और बेन स्टोक की बात करूँ, खैर बेन स्टोक तो खेल नहीं रहे, 27 का एवरेज। बात करते हैं ऐसे वेन्यू की, तो यहाँ पे 27, तो इसलिए गाइस मैंने आपको बोला था जडेजा को मैं पिक करूँगा, बाकी दीपक चहर और देशपांडे आपको दिख जाते हैं, मोइन अली आपको साथ में दिखेंगे, पथी राणा एंड अक्षर पटेल। सो दोस्तों ये थे हमारे वेन्यू के रिकॉर्ड्स। अब गाइस हम बात करते हैं सीधा हमारी टीम्स की, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेविन कॉनवे मेरे पास है इनसे कैप्टन, फिर यहाँ पे पी सॉल्ट को मैंने पिक करा है, डेविड वॉर्नर को यहाँ पे मैंने पिक कर रखा है, और होपफुली मैं उम्मीद करूँगा कि लास्ट में इसको यहाँ पे हटाऊँ या फिर अगर गट फील आया तो इनको लेके जाऊँगा। तो डेविड वॉर्नर थोड़े से लगता है कि क्लासिक प्लेयर है इसलिए यहाँ पे पिक करा हुआ है। बाकी राणा और गायकवाड़ मैंने पिक करें, जडेजा, और उसके बाद बात करें मार्स, अक्षर पटेल। फिर ऐसे बात करें बॉलिंग की, तो यहाँ पे आपको ईशांत शर्मा, देश पांडे और पथी राणा आपको दिखाते हैं। सो ये देखो जो मैंने आपको बताया ना वही यहाँ पे मैंने पिक पकड़े हैं, और बाकी ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया कुछ और है, मैं पिक कुछ और कर रहा हूँ, और सबका यहाँ पे आपको लॉजिक भी पता है और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर आपको लगता कोई आपको गट फील आता है कि यहाँ पे नहीं ये प्लेयर नहीं चलेगा तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बाकी जो मेरा बेसिक कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ फॉर योर मैच।